हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए आउट्रो बनाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर काइनमास्टर के अंदर अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रोफेशनल आउट्रो बना सकते हो। सबसे पहले आपको काइनमास्टर को ओपन करके यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने 16:9 सेलेक्ट करनी है और बैकग्राउंड आपने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। अब इस ब्लैक बैकग्राउंड की जो लेंथ होगी यहाँ पर आपने तकरीबन 10 सेकंड रख देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां पर आपने लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने यहां पर कोई भी कलर जो कि आपको यहां पर सूट करता हो, जो भी आप लोग लाइक करते हो, यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहां पर येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। येलो कलर को मैं यहां पर बड़ा कर लेता हूं। इस तरीके से बड़ा करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से तिरछा कर दूंगा, सही है। तिरछा करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर इस तरीके से नीचे लगा दूंगा, सही है। ये देख लीजिए आप लोग, मैंने इसको नीचे लगा दिया है। अभी मैं जो इसकी लेंथ है यहाँ पर, ये भी मैं 10 सेकंड कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और इसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ इसको यहाँ पर लगा देना है, इस तरीके से, सही है। आप लोग समझ सकते हो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपने ऊपर की तरफ इसको लगा दिया। एक आपका ये वाला कलर ऊपर हो गया, एक कलर आपका नीचे हो, जो भी कलर आपको पसंद हो आप लोग लगा सकते हो, सही है। इसके बाद आपने बड़े बड़े कलर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ तो नीचे वाले को आप लोग यहाँ पर एनिमेशन स्लाइड अप देंगे और यहाँ पर जो ऊपर वाला है इसको आप लोग यहाँ पर देंगे स्लाइड डाउन, सही है। इस तरीके से ये एनिमेशन हो गई, इस तरीके से ये हमारा बन गया। अभी आपने क्या करना है कि लेयर पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जो कुछ भी लिखना चाहते हो, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, सही है। ये मैंने लिख दिया, ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको छोटा सा करके ऊपर की तरफ यहाँ पर इस जगह पर इसको लगा दिया, सही है। इसकी भी लेंथ मैं यहाँ पर 10 सेकंड कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोबारा लेयर पर क्लिक करता हूँ। अभी आपने जाना है ओवरले के अंदर। ओवरले के अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है कि गेट मोड पर क्लिक करना है। गेट मोड पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारी यहाँ पर ओवरलेज आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर आने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर मिलती है लेवल अप। तो लेवल अप वाली एनिमेशन आपने यहां पर इंस्टॉल कर लेनी है, सही है दोस्तों। यहां पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे आता हूँ। तो ये वाली जो एनिमेशन है यहाँ पर मुझे पसंद है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। अभी यहाँ पर ये वाली ओवरले आ चुकी है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस ओवरले को छोटा कर देता हूँ, सही है। यहाँ पर इसको छोटा करके एक साइड पर मैं लगाऊंगा, सही है, दरमियान के अंदर, सही है। एक साइड पर मैंने इसको लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको बिल्कुल साइड में लगाऊंगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ये भी 10 सेकंड कर देता हूँ। अभी मैं दोबारा क्या करता हूँ कि यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने डुप्लीकेट किया है इसको यहाँ पर मैं ड्रैग करके यहाँ पर मैं राइट साइड पर इसको लगा दूंगा, सही है। दोनों तरफ यहाँ पर मेरी ये जो है लग चुके, सही है। अभी इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर इसमें आप लोग अपनी वीडियोस को लगाओगे जब आप लोग यूट्यूब पर इसको लगाओगे, सही है। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, सही, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो एनिमेशन है लेवल अप वाले की, तो यहाँ पर मैं जो इन एनिमेशन है मैं यहाँ पर दूंगा पॉप। यहाँ पर मैं दोनों को पॉप एनिमेशन दे दूंगा, सही है। इसके बाद मैं दोबारा लेयर पर क्लिक करता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पर ओवरले के अंदर जाता हूँ, दोबारा लेवल अप में जाकर। तो यहाँ पर ये वाली जो ओवरले है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये गोल सी है, तो इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, सही है। इसको मैं यहाँ पर दरमियान में रखता हूँ। दरमियान में रखने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा, सही है। यहाँ पर आपके चैनल का जो लोगो होगा सब्सक्राइब बटन वो आ जाएगा। तो ये भी मैंने कर दिया। इसकी लेंथ भी मैं यहाँ पर 10 सेकंड पर कर देता हूँ। तो ये भी मैंने कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इन एनिमेशन में जाता हूँ। यहाँ पर इन एनिमेशन में जाने के बाद इसको भी मैं पॉप एनिमेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है कि अभी जो आपने लोगो यहाँ पर सिलेक्ट किया है इसको भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इन एनिमेशन के अंदर जाकर आपने पॉप एनिमेशन इसको दे देनी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा दूँ। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा आउटरो यहाँ पर तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑडियो के अंदर जाता हूँ। ऑडियो के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया, सही है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस बैकग्राउंड म्यूजिक को भी यहाँ पर कट कर देता हूँ, सही है, कट कर दिया मैंने। तो अभी यहाँ पर मेरा जो आउटरो है यहाँ पर फाइनली दोस्तों रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी के साथ आउटरो बना सकते हो अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। It's not a game, sir.